अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अशरफ मुगल। मैं स्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इस जगह का नाम मेरे दोस्तों सुंब गली है, जो बड़ी मानी हुई जगह मानी जाती है। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया, इसके ठीक नीचे में एक चश्मा है पानी का, जो पानी इस्तेमाल करने का पानी है, साफ सुथरा पानी। और मेरे दोस्तों, यहाँ पे तो आके ऐसा लगता है कि यहाँ से हम कहीं ना जाएं, इतनी बढ़िया और बेहतरीन जगह है। आप ये देख सकते हैं मेरे दोस्तों, पूरा ग्राउंड है, ये देख लो, बहुत बड़ा प्लेन इलाका है ये। यहाँ पे हट्स बन सकते हैं, यहाँ पे होटल्स बन सकते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं, टूरिज्म एरिया है ये। यहाँ से ऊपर तक देख सकते हैं मेरे दोस्तों, सब प्लेन इलाका है। ये देख लो मेरे भाई, आप सभी लोगों को मैं दिखाने के लिए यहाँ स्पेशली आया हूँ, सभी दोस्तों को दिखाने के लिए, मेरे उड़ी की यूथ को दिखाने के लिए आया हूँ। ये देख लग सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्तों, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, आप आगे इसको शेयर कीजिएगा। देख लो मेरे भाई, काफ़ी चौड़ा एरिया है ये, जहाँ हर तरफ देख सकते हैं, हर तरफ नज़र पहुँच सकती है। ये देख लो मेरे भाई, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी घूमने के लिए आए हुए हैं। ये भाई साहब से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? और ठीक हो? खरीद सर है? ठीक है। तो उसका नाम क्या? माना वसीम। वसीम साहब हैं ये, धरकोट रहते हैं तुम? जी हाँ। अच्छा, इतना बड़ा एरिया, इतना आज तक कोई मतलब गवर्नमेंट तक कोई आदमी नहीं आया, सरकारी कोई आदमी नहीं आया? ना जी, इधर गया। मतलब ऐसा नहीं कसा सुन आखिया तो संगो के इथा कोई हार्ट्स वगैरह बढ़ने चाहिए या टूरिस्ट एरिया है, ना कसा नहीं यार? अच्छा, तो और मतलब तुम दसो के था कितने टाइम थी इसी तरह सुनसान पे आता? बस जब थी, मतलब अच्छा, पहले ही थी ये, पहले थी? पहले ही अच्छा, थी। तुम दसो के मतलब उड़ी थी आस्ते, उड़ी दे इसलिए माशाल्लाह शफी साहब आस्ते मिनिस्टर हैं उड़ी सेक्टर थे, तो ये भी कदे नहीं है ना सुन, मतलब कोई कोई आदमी इधर भेजे के तुम गचो दिखो, ना जी, कदे मतलब कोई ना? अच्छा, तो तुसा लगता कि था अगर टूरिस्ट आ गचा, टूरिस्ट एरिया बन जुला, बेस्ट है जी, तो तुसा फायदा हो सी इसका, क्यों ना फायदा, मजदूरी भी मिल जुल सी, है ना? क्यों ना असं लोगों को भी जाहिर करा, मैं कालगी दे रहने वाला, असं को भी फायदा हो सी, है ना? जी हाँ, क्यों ना। तो और इथा पानी भी अवेलेबल है, ठीक है जी ना? हाँ, सब कुछ पानी है भी है इथा को। इंशाल्लाह। हाँ, तो देखो भाई साहब, मैं हम इन भाई से बात हुई, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आज तक कोई मतलब सरकारी नुमाइंदा कोई भी यहाँ तक नहीं आया है, ना कोई इंसान आके ये बोला कि ये जगह इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए। जो कि मुझे लगता है कि गुलमर्ग से भी बहुत बढ़िया जगह है ये। गुलमर्ग इसके सामने फेल है, जिनके यहाँ पे, यहाँ से अगर उस तरफ हम, मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि अगर उस तरफ चले जाएंगे तो मूरा गिंगल वगैरह नूरखा तक सब एरिया दिखाई देता है, जो कि बुनियार का, बुनियार वगैरह का सब ऊपर वाली पहाड़ी का एरिया सब दिखाई देता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ देखने में ये आता है कि देख लो आप, ये जो हमारे उड़ी के, जो हमारे मतलब करते धरते हैं, जो हमारे मिनिस्टर बन के यहाँ से, जिनको हम वोट देते हैं, वोट दे के उनको यहाँ के मतलब सदस्य बना के हम यहाँ से भेजते हैं, तो वो हमारे बारे में इतना भी दोस्तों नहीं सोच सकते कि हम यहाँ पे किसी मतलब गरीब का भला हो जाए, किसी मजदूर का भला हो जाए, हम किसी मजदूर को, गरीब को रुगजार दे दें। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये पता चलता है कि बहुत बड़ा रोजगार खुल सकता है गरीबों के लिए, जो मतलब यहाँ पे काम करने के लिए, या हमारे यहाँ के लोकल जो लोग हैं, दर्दकोट के या ईशम वगैरह के या इस्लामाबाद के, कालगी के या उड़ी, पूरी उड़ी बेली के, यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, होटल्स बना सकते हैं, हार्ट्स बना सकते हैं, जिसका अगर बाहर से टूरिज्म आए, उस टूरिज्म का फायदा हम उठाएं, उनको भी देखने में मजा आए। जो कि मेरे दोस्तों, इस साइड में पूरा एरिया जो है इतना खुल मुखुला दिखाई दे रहा है कि मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता मेरे दोस्तों, इतनी बढ़िया जगह है। तो मेरे दोस्तों, ये आगे शेयर करना, मैं इसलिए ये भेज रहा हूँ ताकि हमारे उड़ी के लोगों की तरफ भी कोई देखे, क्योंकि आज तक किसी
किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी हमारे जो करते धरते लोग हैं, इन्होंने किसी ने भी ये गौर नहीं की कि हमारी उड़ी है क्या चीज। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अपनी उड़ी की पूरी, उड़ी और बुनियार की, बुनियार तहसील और उड़ी तहसील की पूरी यूथ से मैं अपील करता हूँ कि ये आगे शेयर करें, ताकि हमारी उड़ी भी डेवलप हो, हमारी उड़ी भी देखने के लायक बन जाए। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आगे शेयर करना। खुदा हाफिज़।